चलें जी, कहता है जी वेयर आ वेयर अ सूट फाउंडेड ऑन निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में आपका जो है चेक, बिल ऑफ चेंज और प्रॉमिसरी नोट आ जाता है, ठीक है। इट इज फाउंडेड दैट दी इट दी इट इज प्रूव्ड दैट इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट। अब चेक दिया था मैडम लुबना ने मैडम नईमा को, ठीक है। अब वो चेक उन्होंने दिया था, चेक लॉस्ट हो गया, ठीक हो गया। एंड एन इंडेमनिटी इज गिवन बाई प्लेंटिफ। इंडेमनिटी होते हैं आपका जो उसका जो नुकसान का अजाला तलाफी, वो भी आपने पे कर दिया। जिनके माई कौन है वो कल माई काफ कर दें। ठीक है, और इंडेमनिटी भी दे दिया प्लेंटिफ ने जो के बनती थी डिफेंडेंट की टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ, ठीक है। अगेंस्ट द क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ एनी पर्सन अपॉन सच अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में पास द डिक्री इट वुड हैव बीन पास्ड इफ प्लेंटिफ हैज प्रोड्यूस द इंस्ट्रूमेंट व्हेन प्लेंट वाज प्रेजेंटेड, व्हेन प्लेंट वाज प्रेजेंटेड। अब कहता है कि जी जो इंस्ट्रूमेंट था आपका क्लेम सूट बनता था इंस्ट्रूमेंट पे, चेक पे, चेक लास्ट हो गया, कोर्ट जो प्लेंटिव ने उसको उसका नुकसान का अजाला भी दे दिया, ठीक हो गया। आपके कहता है जी कोर्ट अगेंस्ट द क्लेम ऑफ एनी पर्सन अपॉन इंस्ट्रूमेंट। अब उस चेक पे किसी का कोई क्लेम है तो, ठीक है, को उस चेक पे को किसी का क्लेम है तो कोर्ट में पास द डिक्री, कोर्ट डिक्री पास करेगी, कोर्ट डिक्री पास करेगी एज इट वुड हैव बीन पास्ड इफ प्लेंटिफ हैज प्रोड्यूस द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कोर्ट डिक्री पास करेगी कि ऐसे जैसे प्लेंटिफ ने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया एंड प्लेंट वाज प्रेजेंटेड एंड हैड एट द सेम टाइम डिलीवरी डिलीवर द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी फाइल्ड विद प्लेंट। सिंपली के आप एक चेक के ऊपर मतलब सूट बनता था, चेक गुम हो गया, प्लेंटिफ ने कोर्ट को सेटिस्फाई करके कोर्ट की सेटिस्फेक्शन ने से एक अमाउंट पे कर दी डिफेंडेंट को, तो यही कोर्ट डिक्री पास करेगी और उसमें यही लिखेगी कि जैसे उसने चेक प्रोड्यूस किया और चेक की अमाउंट जितनी भी बनती थी वो डिफेंडेंट को पे कर दी और केस डिस्पोज ऑफ हो गया। ये है सपोज के मैडम जो है लुबना साहबा 5 लाख देती है मैडम नईमा साहबा को, ठीक हो गया। अब मैं वो 5 लाख का चेक देती हैं, ठीक हो गया। अब चेक के देती हैं तो चेक दे के वो उनका चेक लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, चेक लॉस्ट हो जाता है, चेक जो है वो डिफेंडेंट से लॉस्ट हो गया है। अब प्लेंटिफ ने जो है वो उस पे जो भी मतलब उसका बनता है पेमेंट वो आगे कोर्ट में कोर्ट की सेटिस्फेक्शन से उनको 5 लाख पे कर देती हैं, तो कोर्ट डिक्री पास करेगी कि ऐसे डिक्री पास करेगी कि जी ये जैसे डॉक्यूमेंट पेश किया गया उस वही चेक पेश किया गया और उसका जो रिलीफ बनता था क्लेम बनता था उसको हमने दे दिया है। ये है आपका सेक्शन 16। अगर दूसरी पार्टी सपोज के आगे उसको जितनी भी क्लेम बनता है उस चेक का वो दे देती है तो यही समझा जाएगा कि जी उसका वो सूट उसका जो ग्रीवियंस था वो रीड्रेस हो गया, उसका जो ग्रीवियंस था वो रीड्रेस हो गया। आ गया जी प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। ये सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पहले होती थी शॉप बुक, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो खत्म हो गया। आ गया जी आपका 18।